ऊपर नहीं जाओ। सच कहते हैं इश्क करने वाले पागल होते हैं। अब बैठ कर कोई तकदीर लड़ाओ कि ये शादी कैसे रुकवाएं। गुरु तो आप है, आप ही हमें बताएं। मेरे ख्याल में आप तो खुश कर लेंगी ये ब्याह। अगर आपका यही मशवरा है तो कर लूंगी निभा। मैंने तो वो दोहराया जो आपके दिल का अरमान है। और मैं वो करूंगी जो आपका फरमान है। देखते हैं अंताक्षरी कहाँ खत्म। मुझे तो तुम्हारा प्यार मुझसे मोहब्बत भी झूठे सच्चे वादे करके कुछ ना कहो। तुमने साफ साफ कहा है जहाँ बात कहनी है वहीं शादी कर लो। ठीक है वही करूंगी, तुम्हारी बात नहीं करूंगी। मेरे मुंह से निकले बात को बहाना ना बनाओ। तुमने पहले फैसला कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने कभी दिल से मुझे प्यार किया ही नहीं। अब तुम आजाद हो, जो चाहे नतीजा निकालो। आजाद हूँ लेकिन बर्बाद नहीं। तुमसे पहले शादी करके दिखाऊंगा। ठीक से एक लड़की है जो दिल से प्यार करेगी मुझे। जरूर करेंगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तुम तो वैसे भी हर लड़की की दिल की आरजू उसके सीने की धड़कन हो। मैं जो भी हूँ या नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे फैसले से मुझे होश आ गया। और इतना जानता हूँ कि गोरी में कोई ऐसी जरूर होगी जो इस जिल्लत के बाद मुझे दिल से अपनाने को तैयार होगी। जरूर अपनाएगी, तुम्हें तो मुझसे बनकर इज्जत वालियाँ मिल जाएंगी। जो भी होगा या नहीं होगा लेकिन आज तुम्हें पर तुम्हें बोली पर लग जाऊंगा। और तुम फिर मुझे बोला होगा खबरदार अगर कहीं देख जाऊँ तो जोर से सलाम भी नहीं करना। रुकी तो जवाब नहीं दूंगा। फिर भी अपनी इज्जत फिर मोहब्बत। बड़े ऊंचे ख्याल आते हैं आपके। अरे इंसान पिछड़ा चलना चाहिए। तुम समझती हो कि तुम किसी के बाहों में जाओगी और मैं चुपचाप इसके बस रह जाऊंगा, किसी के आगोश में नहीं जाऊंगा। जाओ बिल्कुल जाओ, मैं तो जाती हूँ। जाओ अब जा भी चुको। क्या कहा जाऊं? हाँ जाओ। ठीक है लेकिन याद रखना तुमने मुझे एक कदम उठाने पर मजबूर किया है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तुमने थोड़ी मोहब्बत फिर मैंने थोड़ी। जो कहते हो ठीक कहते हो। ठीक है फिर जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज देख लो मुझे फिर कभी नहीं देखूंगी। वो भी यही कह रहे थे। अरे तुम मुझ पे तो भरोसा रखो, मैं इसको बचा लूंगा। तो तुम करके दिखाओ। खून ज्यादा बह गया। वो भी यही कह रहे थे। यार किन्होंने छोड़ दिया कि इन दोनों को मेरे सर पे। इसका बोलो। आप एक काम करिए वहां से लिएगे और आप वहां, मैं संभाल लूंगा। वो भी यही कह रहे थे। अरे भाई तुम क्या पागल हो। तुम करके दिखाओ। मुकरमा आप इनको बाहर कर दीजिए, मुझे लगता है आप थोड़ा सही हैं, आप कर लेंगे मेरे साथ। जीन्स बहुत टाइट है। तुमने जीन्स पहनी क्यों है पहले तो ये बताओ। इस वक्त हाँ इसका बोलो। सी सर खून लगा हुआ है। सर गन जिसने शूट की होगी दो कतल हुए होंगे, दूसरे पास नहीं होंगे। सर पहले बात तो यार नहीं है, सिर्फ हमारे पास दूसरे पास चला रहे और ये सब उसके परफॉर्मिंग के लिए।
सर अब उसको देखें, उसकी बॉडी के अंदर छुड़ियां मारी हुई है, एक सीरियल किलर ही कर सकता है। आपको याद है वो पिछले हफ्ते वाला केस? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मुझे याद है ना। उसमें भी एक ऐसी बॉडी थी, उस पे गोली भी लगी थी ना सर। गाली तो है लेकिन यहाँ पे गोली नहीं लगी है सर। एक और लाश होती है। वो क्या, वो क्या मैडम? तो मैं कपड़ा हटाओ। ये देखो, ये वाला लाश है ना? हाँ, दूसरा लाश यही है। यही है दूसरा। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। बाहर उसके सामने है तो बाहर बिल्कुल सही। नहीं सर, ये कोई जानने वाला ही रिश्तेदार होगा, आपसे क्यों है ना? पहले काम करते हैं, ये सफाई करते हैं, यहाँ तुम्हें पता है हम यहाँ रोजाना इस बिल्डिंग पे क्यों आते हैं? आपने बताया था तंदूरी बनाते हुए मौत जिम्मेदारियों से बनाई है। हाँ, जो हमारी कमिटमेंट है फिर जिंदगी की बने रही है शोर, उससे बचने के लिए हम यहाँ फोन के लिए आते हैं। ठीक तुम्हें बताया था, लेकिन ये सुकून भी मुझे रास नहीं आ रहा है। सुकून में भी मुझे शोर सुनाई दे रहा है, मुझे वो जिम्मेदारियों की आवाजें दे रही हैं। वो जो मैं छोड़ के यहाँ पर आता हूँ जिम्मेदारियाँ, वो मेरा यहाँ तक पीछा कर रही हैं। सर पे ज़्यादा सवार नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं होता यार। अब तो ज़्यादा टेंशन ले रहे, टेंशन है तो दे रहा हूँ ना। बस मैंने अब फैसला कर लिया है, अब क्या कर सकते हैं हम? पांचवी मंजिल पे है, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बर्दाश्त नहीं होगा ये तो बताओ। मैं जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। तो वो हम साथ निभाएंगे ना? उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। मैं नहीं झेल सकता। मैं नहीं, ये ऐसी बातें नहीं करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। देखो मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो मुझे भी कैसे असर पड़ेगा यार? अगर आप इससे बातें करेंगे फिर मैं भी समझ लगाऊंगा, क्या बनेगा तो फैमिली का क्या बनेगा? तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम जिम्मेदारियों का एहसास करते हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम झेल सकते हो, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो मैं आपका साथ दूंगा ना यार। छोटा भाई कहाँ तक साथ देगा, इतना तो साथ दिया है तुमने मेरा। अरे मैं मरते दम तक साथ दूंगा। आपके साथ चरण लगा लेते हैं। चलन क्यों साथ लगाए? मैं अभी कहा कि मरते दम तक साथ बोले, वो मतलब नहीं था मेरा यार। हम दोनों ही जिम्मेदारियों से आजाद हो जाएंगे फिर। ये फालतू की जिम्मेदारी है, हम नहीं चल सकते। अरे छोड़ यार, तो फैमिली का क्या होगा? मैं उनके बारे में नहीं सोच रहा। तुम्हें सोचना है, तुम बड़े भाई हो। वही तो, मैं बड़ा हूँ, सारी जिम्मेदारियां मुझ पे। मैं सोच के पता क्यों? मैं जा सिचुएशन इज के फ्लाइंग स्कूल में एक इंस्पेक्टर ट्रेनी पायलट को इमरजेंसी में क्या करते हैं ये सिखा रहा है। ठीक है, फ्लाइंग स्कूल में इंस्पेक्टर ट्रेनी पायलट को इमरजेंसी के वक्त क्या करना चाहिए ये सिखा रहा है। ये तुमने क्या करा? मैं तुम्हें एक साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तुमने अभी तक जहाज मारा नहीं आया। तो मैं दूसरे आने वाले को क्या सिखाऊंगी? तुम यहाँ से ऐसे ग्रेजुएट होके जाओगी, आगे जाके तुम्हें काम भी नहीं मिलेगा। अब से मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस रखूंगा और तुम्हें जहाज उड़ाना सिखाऊंगा। चलो जहाज उड़ाने चलो, बैठो कुर्सी पे और ये हेडफोन लगाओ। चल स्टार्ट कर, किस तरह चला के जा ग्राउंड होगी सबसे पहले। पहले हाँ 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 हॉर्न बटन स्टार्ट करिए।
लीवर पकड़ो। लीवर? लीवर पकड़ लिया सर। इसको स्पीड पे लाओ। कितने स्पीड पे करने पे जाएगा ये? फ्लाई कितने पे करेगा? 500 की स्पीड पे करेगा ये फ्लाई। चले उड़ाए इसको। Thank you.